हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एक नया पेपर जिसका नाम है ऑडिटिंग अर्थात अंकेक्षण। आपसे बता दें कि यह अंकेक्षण बीकॉम में पढ़ाया जाता है, कहीं फर्स्ट ईयर, कहीं सेकेंड ईयर, कहीं थर्ड ईयर। तो आपके जिस ईयर में ये ऑडिटिंग का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता होगा आप पढ़ लीजिएगा और आपको शुरू से अंत तक पूरा पढ़ाया जाएगा। स्टार्टिंग ऑडिटिंग का कहां से हुआ और कहां एंड हुआ पूरा बताया जाएगा, ठीक है? तो आइए जल्दी से तैयार हो जाइए और जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना ना भूलिएगा। एक चीज़ और बता दें आप लोग को कि कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी पेपर्स वगैरह हैं, अधिकांश पेपर मैं पढ़ाया हूँ और जिनको पढ़ना होगा बी कॉम के जो भी सिलेबस होंगे तो हमारे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में सीधे जाइएगा वहाँ से, और प्लेलिस्ट में जाकर ऐसे जिस पेपर को पढ़ना होगा प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से उस पेपर के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं ऑडिट। देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले अंकेक्षण ऑडिटिंग और उसके बाद लिखा गया है अंकेक्षण का विकास। सबसे पहले जरूरी है कि हमारा जब ऑडिटिंग शुरू कर रहे हैं तो यह जाने कि इस ऑडिटिंग का विकास कब और कहां से शुरू हुआ। तो आपसे बता दें कि 1494 ईस्वी के जो सन 1494 ईस्वी से पूर्व हमारा ऑडिटिंग क्या था। अब सोच रहे होंगे कि 1494 ईस्वी से हमने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि 1494 ईस्वी में ही दोहरा लेखा प्रणाली का, डबल एंट्री सिस्टम का, वाणिज्य का उदय हुआ, जिसका जानते ही हैं कि लुका स्पेशियली के द्वारा इटली के वेनिस नगर में इसका शुभारंभ किया गया, प्रारंभ किया गया, इसका विकास किया गया था। किसका? अकाउंटिंग का अर्थात वाणिज्य का। तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं 1494 से पहले। 1494 से पहले अंकेक्षण का कार्य किया जाता था, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाता था, किया जाता था, लेकिन 1494 से पहले इस अंकेक्षण का हम मानते थे कि यूनान और रोम, ये दोनों अलग अलग देश हैं, यूनान और रोम में अंकेक्षण का जिक्र मिलता था और वहां पे 1494 से पूर्व जो राजा महाराजा या शासक या प्रशासक होते थे तो यह राजकीय, ध्यान दीजिएगा, राजकीय हिसाब किताब करने में इस अंकेक्षण का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि जो राजा महाराजा पहले के थे तो उनके राज्य काल में क्या, वहां भी तो व्यापार होता था, तो उनके यहां जो भी लेन देन होता था तो कोई एक ऐसा होता था जो लिखता था और कोई एक ऐसा होता था जो उसकी जांच करता था। तो लिखने या रखने, हिसाब किताब रखने और जांच करता है, दोनों अलग अलग व्यक्ति बनाए गए। तो ये राजकीय हिसाब किताब के संदर्भ में पहले अंकेक्षण का प्रयोग किया जाता था, लेकिन हमें जो ऑडिटिंग पढ़ना है वो 1494 के बाद का पढ़ना। अब हम शुरू करते हैं कि यह जो अंकेक्षण है, ऑडिटिंग शब्द है, ऑडिटिंग जिसको अंग्रेजी में भी ऑडिटिंग कहा जाता है, अंकेक्षण कहा जाता है। इस ऑडिटिंग शब्द की उत्पत्ति कैसे और कहां से है? तो आपको बता दें कि लैटिन भाषा के, किस भाषा के, लैटिन भाषा के अडियार शब्द से, अडियार जिसको अंग्रेजी में ऑडिरे कहा जाता, इस शब्द से। जो अडियार शब्द है वैसे तो इसका अर्थ होता है सुनना। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है सुनना। अब प्रश्न यह उठता है कि 1494 के बाद क्या हुआ। अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं 1494 के बाद। जब 1494 में सबसे पहले लेखांकन का विकास हुआ अर्थात हमारा वाणिज्य का विकास हुआ,
डबल इंटरेस्ट सिस्टम का विकास हुआ। और पहले ये जान ले कि ये हुआ कहाँ था, ये इटली में हुआ था, वहां का एक शहर है बेनिस नगर, और बेनिस नगर में किसने किया था, लुकास पैसियोली ने, लुकास पैसियोली ने दोहरा लेखा प्रणाली का विकास हुआ। मतलब वाणिज्य का हिसाब किताब रखने की एक ऐसी सिस्टम जिसका डबल एंट्री सिस्टम नाम दिया गया का जब विकास हुआ तो वहां से इस ऑडिटिंग की आवश्यकता कुछ ज्यादा महसूस की जाने लगी। जब इसकी आवश्यकता ज्यादा महसूस की जाने लगी तो यह वाणिज्य या डबल एंट्री सिस्टम धीरे धीरे लगभग लगभग सभी देशों तक में फैल गया। तो सबसे पहले 1844 ईस्वी में इंग्लैंड में कंपनी एक्ट बना। क्या बना? इसके बाद 1844 ईस्वी में इंग्लैंड में जो कंपनी अधिनियम बना, कंपनी अधिनियम 1844, यह कंपनी अधिनियम 1844 कहां बना? इंग्लैंड का कंपनी अधिनियम बना। जब यह कंपनी अधिनियम बना तो यहां पर आपका जो अंकेक्षण है, अंकेक्षण को वैधानिक मान्यता मिली। क्या मिली? वैधानिक मान्यता प्राप्त। ध्यान दीजिएगा, ऑडिटिंग का तो कार्य हमारा बहुत पहले से चला आ रहा, लेकिन इसको कानूनी रूप से मान्यता पूरी दुनिया में सबसे पहले जब 1844 में इंग्लैंड में कंपनी एक्ट बना, जहां पर हिसाब किताब लिखने के साथ साथ उसके आर्थिक चिट्ठे प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करने का जिक्र किया गया, तो उसके बाद अंकेक्षण को एक कानूनी मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, इसके बाद से जब 19वीं शताब्दी हमारी आई, 19वीं शताब्दी है, इसके बाद से पूरे दुनिया में उद्योग वाणिज्य व्यापार धंधे का काफी प्रचलन हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ। और विकास होने के साथ साथ फिर क्या हुआ? विकास होने के साथ साथ अब भारत में भी एंट्री हुई, और जब भारत में एंट्री हुई तो भारत में सबसे पहले कब इसकी एंट्री हुई तो आपको मैं बता दूं, ये तो पूरी दुनिया की है, हम अब भारत के संदर्भ में चल रहे हैं। भारत में सबसे पहले जब कंपनी एक्ट बना तब वहां से इसकी आवश्यकता भारत में महसूस की जाने लगी। भारत में कंपनी एक्ट कब बना? भारत में 1882 ईस्वी में पहला मतलब भारतीय कंपनी अधिनियम बना। भारत में पहला भारतीय कंपनी अधिनियम कब बना? 1882 ईस्वी में। लेकिन जब कंपनी अधिनियम बना तब अंकेक्षण का कार्य भी प्रारंभ नहीं हुआ। इसे अंकेक्षण का प्रारंभ भारत में 1 अप्रैल 1914 से अंकेक्षण कहां प्रारंभ हुआ? भारत में प्रारंभ हुआ था। कब? 1 अप्रैल 1914 में अंकेक्षण प्रारंभ माना जाता। वह जो 1 अप्रैल 1914 को अंकेक्षण प्रारंभ हुआ तो 1882 के बाद एक दूसरा कंपनी एक्ट लागू किया गया, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में है कंपनी अधिनियम 1956 के बाद सीधे कंपनी अधिनियम 2013 लागू है, तो उसी तरह 1882 ईस्वी में पहला भारतीय कंपनी अधिनियम बना और अंकेक्षण 1914 में लागू कर दिया गया भारत में अनिवार्य रूप से। उसके पूर्व एक कंपनी अधिनियम बना था जिसका नाम था कंपनी अधिनियम 1913 बना था। जब कंपनी अधिनियम 1913 बना तो उसके अकॉर्डिंग यह 1 अप्रैल 14 को भारत में अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया।
बता दें आपको कि जितने भी ये सब क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये अधिकांशतः जब एमसीक्यू क्वेश्चन होता है इसमें इन चीजों का जिक्र ज्यादा रहता है, ठीक है। इसके बाद से यह कंपनी एक्ट 1913 चला और उनके क्षण भारत में लागू कर दिया गया। लेकिन 1932 में 32 से 49 तक, सन 1932 से 1949 तक, 1949 तक इसलिए कहे है कि जो भी कानून बना, मैंने देश तो 1947 में आजाद हुआ था लेकिन कानून वगैरह जितने भी हैं सब 1949, 1950, 51, 52 उसके बाद सब बने हैं। तो 1932 से 1949 तक के में जो अंकेक्षण का कार्य था, अंकेक्षण का कार्य था, यह प्रांतीय सरकारों के पास थी, मतलब यह राज्य सरकारों के पास इसके पास पावर था। लेकिन हमारा जैसे ही देश आजाद हुआ, ठीक है, जानते ही हैं कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद से 1948 में एक प्रस्ताव पास किया गया। 1948 में एक प्रस्ताव पास किया गया। अब प्रस्ताव पास करने के बाद से क्या हुआ, 1949 में 1 जुलाई 1949, इसके बाद से 1 जुलाई 1949 में एक अधिनियम बनाया गया, एक्ट बनाया गया, जिसका नाम था भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, एक एक्ट बनाया गया और इसे लागू कर दिया गया। जब लागू कर दिया गया तो यह केंद्र सरकार के अधीन कर दिया गया कि जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान है, अर्थात जो ऑडिटिंग का काम है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सौंप दिया गया। और तब से लेकर अब तक जो सीए एक्ट जिसको कहा जाता है, आईसीएआई एक्ट जो कहा जाता है, जो प्रेजेंट टाइम में भी चल रहा है, तो ये लागू कर दिया गया। ऐसे ही आपको बता दें कि जो ये अंकेक्षण है, इस अंकेक्षण में बहुत सारे एक्ट लागू होते हैं। जैसे मान लीजिए सीए एक्ट आपका है 1949 और एक कंपनी एक्ट है 2013, चूंकि इससे पहले 1956 था तो 1956 में भी वो लागू था, अब 2013 है तो 2013 में भी पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये इसका इंट्रोडक्शन या विकास था। प्रश्न उठता है कि अंकेक्षण के महत्व में वृद्धि क्यों, आखिर ऐसी क्या चीजें हैं, क्या वजह है जिसके वजह से हमने ये ऑडिटिंग का कार्य, ऑडिटिंग पर इतना ज्यादा फोकस किया, क्योंकि प्राचीन काल से ऑडिटिंग का कार्य चला रहा, लेकिन इसे वैधानिक मान्यता बाद में चलकर मिली, क्योंकि पहले भी राजा महाराजाओं के शासन काल में देखे होंगे कि कोई कार्य करता था तो उनके पीछे कोई उनकी जांच करना या निरीक्षण करना या चेक करने का भी कार्य किया जाता था, वैसे ही आज भी सिस्टम है। अब प्रश्न है कि प्रेजेंट टाइम में जैसे जैसे उद्योग व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, वैसे वैसे ऑडिटिंग का भी विकास हुआ, और आज इतना ज्यादा डेवलप है कि हर कदम पर हर जगह पर ऑडिटिंग का काम किया जाता, ठीक है। अब एक शब्द इसमें और भी समझ लीजिए कि ये ऑडिटिंग होता क्या है, ये तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया। ऑडिटिंग के अर्थ के संबंध में हम जानेंगे कि ऑडिटिंग होता क्या। जो हमारे हिसाब किताब है ना, हिसाब किताब, ठीक है, इन हिसाब किताबों की लिखने का काम कोई और करता है, जिसको लेखाकार कहा जाता है, अकाउंटेंट कहा जाता है।
लेकिन जब हिसाब किताब की हम जांच करते हैं, भाई वो लिखा है सही लिखा है कि गलत लिखा है, एंट्री की गई है ठीक है कि नहीं है, तो जो जांच की जाती है इसी जांच को क्या कहा जाता है? अंकेक्षण कहा जाता है। यह जो अंकेक्षण करता है उसको हम क्या कहते हैं? अंकेक्षक कहते हैं। यह अंकेक्षक एक व्यक्ति होता है और जो यह कार्य होता है कर किया जाता है इसको हम अंकेक्षण बोलते हैं, ऑडिटिंग बोलते हैं। ये ऑडिटर होता है और ये अंकेक्षक ऑडिटिंग होता है। मतलब हिसाब किताब की पुस्तकों की जांच करना, उनके प्रलेखों की जांच करना, उनकी सत्यता को प्रमाणित करना ही अंकेक्षण कहलाता है। ठीक है, तो हम टॉपिक पे चल रहे थे किस पे? अंकेक्षण के महत्व में वृद्धि। आखिर इस ऑडिटिंग का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ा? क्या वजह है जिसके वजह से ऑडिटिंग का विकास इतना तेजी से हुआ? तो ये इसको भी बता रहे हैं। ऑडिटिंग अंकेक्षण के महत्व में वृद्धि, अंकेक्षण के महत्व में वृद्धि, अंकेक्षण के महत्व में वृद्धि क्यों हुई? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट है कि ऑडिटिंग का इतना डेवलपमेंट होने के पीछे क्या रीजन था। सबसे पहला था औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। पहला क्या था? औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, क्रांति का प्रभाव। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव का मतलब है कि जब भी, जिस समय से देश में उद्योगों कल कारखानों का तेजी से डेवलपमेंट हुआ, तेजी से विकास हुआ, एकदम तरक्की हो गई, प्रोग्रेस हो गया, तो वहां पर जब उसके आकार प्रकार में वृद्धि होगी तो वहां पे उसकी जांच करने, हिसाब किताब की पुस्तकों की जांच करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो अंकेक्षण का बढ़ने का सबसे पहला रीजन है देश में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, इफेक्ट। दूसरा है व्यावसायिक संगठन के, कंपनी के रूप में विकास। दूसरा है व्यावसायिक संगठन के, संगठन के कंपनी के रूप में विकास, कंपनी के रूप में विकास। इसका मतलब क्या है? पहले जो हमारे बिजनेस थे बहुत छोटे छोटे बिजनेस थे, जगह जगह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिजनेस किया जाता, लेकिन जब से उस छोटे छोटे बिजनेस का आकार बदल गया, अर्थात एक कंपनी, एक बड़ी कंपनी में चेंजिंग हो गया, परिवर्तन हो गया, तब वहां पर जब बड़ा होगा तो उसकी जांच की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसी जांच की आवश्यकता के लिए अंकेक्षण के महत्व में वृद्धि हुई। तीसरा है कर के प्रावधानों का प्रभाव, कर के प्रावधानों का प्रभाव। कर के प्रावधानों का प्रभाव का मतलब है कि सरकार के राजस्व का एक मुख्य स्रोत होता है क्या? कर, टैक्स। सरकार हम पर कर क्यों लगाती है? क्योंकि भाई सरकार कहाँ कमाएगी? सरकार हमको देती है और हम ही उससे वसूल भी करती है, ये ट्रांजेक्शन आदान प्रदान होता रहता है। जितने भी लोग हैं इन लोगों में एक ऐसा, एक समझिए जाल है जिसमें जिस तरह सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसी तरह जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी लेन देन है, सबका आदान प्रदान होता है। तो सरकार के कर के प्रावधानों को इफेक्टेड करने के लिए, लागू करने के लिए भी ऑडिटिंग का इंपॉर्टेंस किया गया। सरकार ऐसा नहीं कि सबसे टैक्स ले लेगी, जो उसके योग्य होगा उसी से लेगी। तो यह जांच करने का कार्य ऑडिटर, ऑडिटर का होता है। जब वो ऑडिटिंग करके प्रमाणित करता है कि हाँ ये इसकी इनकम इतनी है, यदि उसको गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ हमारे निर्धारित सीमा से ज्यादा अधिक है तो उस पर से टैक्स लिया जाए, नहीं है तो छोड़ दिया जाए। तो कर के प्रावधानों की वजह से भी
अंक के क्षण के महत्व में वृद्धि हुई। चौथा इसका महत्व है उद्योगों में, उद्योगों के सरकारी हस्तक्षेप में, हस्तक्षेप में वृद्धि के लिए। जब उद्योगों में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ गया, इस वजह से भी ऑडिटिंग की आवश्यकता महसूस हो। और ऑडिटिंग की महसूस क्यों है? सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी महसूस की। क्योंकि जब समाज की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति जब की जाएगी तो उसका आकार बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो हिसाब किताब लेन देन भी बहुत होंगे, और जब लेन देन ज्यादा होंगे तब वहां पे अंकेक्षण की आवश्यकता महसूस हो। अगला है केंद्र व राज्य सरकारों के, केंद्र व राज्य सरकारों के अधिनियमों के कारण, अधिनियमों के कारण केंद्र या राज्य सरकार समय समय पर कुछ अधिनियम जारी किए, और उस अधिनियमों को पूरा करने के लिए भी ऑडिटिंग की आवश्यकता महसूस की गई। अगला है न्यायालय के निर्णयों के लिए, न्यायालय के निर्णयों के लिए कि न्यायालय द्वारा समय समय पे जो डिसीजन दिया गया, क्योंकि उसमें वाद प्रतिवाद भी होता रहता है, उस नियमों न्यायालय के निर्णयों को पालन करने के लिए भी अंकेक्षण की आवश्यकता महसूस की गई। और लास्ट अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक का विकास के लिए, जब पूरे देश में एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की स्थापना की है, तो इसकी भी आवश्यकता पूर्ति के लिए भी अंकेक्षण के महत्व में वृद्धि की है। ठीक है, तो यही एक 8 रीजन है जिसके वजह से अंकेक्षण के महत्व के में वृद्धि की गई। ठीक है, तब इसको मिटा दें, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अब ये उठता है कि जो हमारा ये अंकेक्षण है, ऑडिटिंग है, ये तो सभी लोग जानते हैं ऑडिटिंग होता क्या है, हिसाब किताब की पुस्तकों या लेखा पुस्तकों की जांच करना, उनकी सत्यता को प्रमाणित करना ही अंकेक्षण कहलाता है। प्रश्न ये उठता है कि अंकेक्षण की विशेषता क्या होती है, इसके करेक्टर्स क्या होते हैं, तो इसको भी लिखते हैं। अंकेक्षण की विशेषताएं, अंकेक्षण की विशेषताएं, अंकेक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सबसे पहला एक कंपनी या संस्था का होना, पहली विशेषता है एक कंपनी या संस्था का होना, या संस्था का होना। एक कंपनी या संस्था का होना का मतलब होता है कि अंकेक्षण उसी का किया जाता है जो या तो एक कंपनी हो या एक संस्था। आदमी का अंकेक्षण नहीं किया जाता, कंपनी के हिसाब किताब या किसी भी संस्था का हिसाब किताब की जब जांच की जाती है तो अंकेक्षण कहलाता है। और जो अंकेक्षण हमारा होता है वो हमेशा किसी कंपनी या संस्था का ही किया जाता है। दूसरा अंकेक्षक, दूसरी विशेषता है अंकेक्षक का होना, अंकेक्षक का। अब देखिए अंकेक्षक क्या होता है, अंकेक्षक मतलब ऑडिटर। ऑडिटर एक ऐसा पर्सन होता है
अंकित ऑडिटर क्या होता है, एक पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है। ऑडिटर कोई कंपनी संस्था नहीं होती, ऑडिटर एक पर्सन होता है, आदमी हमारे आप जैसा होता है जो किसी संस्था के हिसाब किताबों की जांच करता है। फिर अगला है, इसकी विशेषता है प्रमाणक का होना। प्रमाणक का होना, ये ध्यान दीजिएगा कि ये टोटली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो भी देख रहे हैं वो भी समझ सकते हैं, इतना बुरा नहीं है, ठीक है। हाँ, तो प्रमाणक का होना, प्रमाणक क्या होता है, वाउचर्स। वाउचर जो होता है, ऑडिटिंग में डायरेक्ट हिसाब किताब चेक नहीं किया जाता, उस हिसाब किताब में जो एंट्री की गई है उसका वाउचर, माने जो बिल वाउचर जिसको कहा जाता है, एक रसीद होती है, उससे उसका मिलान किया जाता है कि जो वाउचर में है, जो बिल में है, वो वही एंट्री की गई है कि नहीं पुस्तकों में, तो उसमें प्रमाणक का भी होना आवश्यक है। और क्या होता है, पुस्तकों की शुद्धता की जांच, पुस्तकों की शुद्धता की जांच, शुद्धता की जांच, पुस्तकों की शुद्धता की जांच, मतलब उस ऑडिटिंग के कार्य में हिसाब किताब की जो पुस्तकें होती हैं उनकी शुद्धता की जांच की जाती है कि कितना उसमें किस सीमा तक कहां तक सही किया गया है और क्या उसमें गलत है। अगला क्या है इसकी विशेषता है, नियमों का पालन। नियमों का पालन, नियमों का पालन का मतलब क्या होता है कि एडिटिंग जैसे मर्जी अवश्य नहीं किया जाता, उसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, उन रूल रेगुलेशन के नियमों को पालन करते हुए हम एडिटिंग का कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि गए जो मर्जी ऑर्गेस्टर माने देखे ठीक है चल रहे, ऐसा नहीं होता, उसका कुछ सिस्टम तरीका होता है, कुछ रूल्स होती हैं, उस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, उसी के नियमों के अनुसार ऑडिटिंग की जाती है। अगला, समयावधि का होना। समयावधि, समयावधि का मतलब क्या है, ऑडिटिंग एक सीमा होती है, इसकी एक टाइमिंग होती है कि इतने से इतने समय तक या इतने दिन में या इतने समय में पूर्ण कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ऑडिटिंग की एक समय सीमा होती है। और एक होता है सत्यापन। सत्यापन का मतलब है कि जो भी उसमें लेखा पुस्तकें हैं या जो भी उसको ऑडिटर को मिलता है उसको सत्यता को प्रमाणित करता है, सत्यापन करता है कि हाँ वेरीफाई किया है, मेरे द्वारा ये पुस्तक प्राप्त की गई है, सही है, ठीक है। और लास्ट में होता है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का मतलब है कि जब ऑडिटिंग का सारा काम समाप्त हो जाता है तो वहां पे जो ऑडिटर होता है ये अपनी रिपोर्ट देता है जिसमें इस बात का उल्लेख रहता है कि मेरे द्वारा फला कंपनी की संस्था का ऑडिटिंग किया गया इस निर्धारित समय पर या अवधि पर, और मैं संस्था के से मुझे ये प्रलेख समयानुसार प्राप्त हुए, इसकी हिसाब किताब या लेखा पुस्तकें पूर्ण रूप से सत्य है, यह मैं प्रमाणित करता हूँ, डेट ओवर सिग्नेचर, इस हमारा कहलाता है प्रतिवेदन, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। अब एक चीज मैं थोड़ा बेसिक पीछे की ओर लेते चलता हूं, जो हमारे वाणिज्य है और वाणिज्य में जो एक ऑडिटिंग शब्द है, ये ऑडिटिंग तीन स्टेपों से पे जाके टिकता है। जैसे सबसे पहला हमारा शुरू होता है एक पुस्तपालन, चूंकि ये अकाउंटिंग का चीज है, और पुस्तपालन के बाद होता है लेखा कर्म, और लेखा कर्म के बाद शुरू होता है अंकेक्षण। हम इसको यहां पर पहले ले चल रहे हैं। अब देखिए, पुस्तपालन माने बुक कीपिंग, क्या होता है बुक कीपिंग, ठीक है, ये होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग माने अकाउंटेंसी, और ये होता है ऑडिटिंग। अब यहां थोड़ा समझिएगा, जब भी हमारा कोई बिजनेस शुरू होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो सबसे पहले हम पुस्तपालन का काम करते हैं, पुस्तकों को रखना और उसमें लिखना। पुस्तपालन का मतलब ये नहीं कि अलमारी में सजा के पुस्तकों को लिखना,
पुस्तकों को रखना। पुस्तपालन का मतलब है कि व्यवसाय की जो भी आवश्यक लेखा पुस्तकें हैं उनको लेना, बनाना, रखना और उसमें आवश्यक एंट्री करना। तो ये सारी प्रक्रिया आपकी लेजर तक कहलाती है। मतलब पुस्तक खरीदेंगे, पुस्तक को हर एक चीजों का बनाएंगे, बनाने के बाद उसमें जाना एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद से लेजरिंग करेंगे, यहां तक सारा काम पुस्तपालन का कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि जब इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा। इसके बाद शुरू होता है अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी। अब उसमें लेखा कर्म करना, मतलब कि जहां लेजर का काम यहां समाप्त हुआ था वहां से अब ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट तैयार जब किया जाता है, ये सब अकाउंटिंग का काम कहलाता है, अकाउंटेंसी। और जब हमारा पीएल एंड बैलेंस शीट बन जाता है और इसकी जब जांच की जाती है, इसी जांच को हम क्या कहते हैं, ऑडिट। तो ध्यान दीजिएगा, पुस्तपालन का कार्य जहां समाप्त होता है वहां अकाउंटेंसी का कार्य प्रारंभ होता है, माने लेखा कर्म। और लेखा कर्म का कार्य जहां समाप्त होता है वहां ऑडिटिंग का कार्य स्टार्ट होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। पहले पुस्तपालन आता है, फिर लेखा कर्म, फिर ऑडिटिंग आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न उठता है ये कि इस अंकेक्षण के उद्देश्य क्या है, इसको मिटाए। अंकेक्षण के उद्देश्य, अंकेक्षण के उद्देश्य, ऑडिटिंग के क्या उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा। एक तो इसका मुख्य उद्देश्य है और उसके बाद है सहायक उद्देश्य। ठीक है, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहला मुख्य उद्देश्य है कि जो भी हिसाब किताब की पुस्तकें हैं और उन पुस्तकों से जो वित्तीय विवरण तैयार किया गया, उन पुस्तकों से जो भी वित्तीय विवरण तैयार किया गया, उन वित्तीय विवरणों का परीक्षण करना, मैंने उसकी सत्यता की जांच करना और उस पर अपनी राय प्रकट करना। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? वित्तीय विवरणों का, वित्तीय विवरणों की सत्यता की, सत्यता की जांच करना या परीक्षण करना और अपनी राय प्रकट करना, अपनी राय प्रकट करना। मतलब हिसाब किताब की पुस्तकों की सत्यता की जांच करना या और उसको प्रमाणित करना और अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अब बारी आती है कि इसके सहायक उद्देश्य कौन से हैं, कि इसके अलावा ऑडिटिंग अर्थात अंकेक्षण के और क्या उद्देश्य हो सकते हैं। पहला उद्देश्य है त्रुटियों का पता लगाना, पहला उद्देश्य है त्रुटियों का पता लगाना, पता लगाना कि जो भी हिसाब किताब की जांच करते समय गलतियां हुई हैं उनको खोजना, ढूंढना। उसके बाद दूसरा क्या है, छल कपट का पता लगाना कि उस व्यवसाय में, उस लेखा पुस्तकों में जो भी छल कपट धोखाधड़ी हुआ उसको भी ढूंढना। और तीसरा क्या हुआ, इसका उद्देश्य है त्रुटियों व छल कपटों को रोकना, ये इसका तीसरा उद्देश्य है।
पहला सहायक उद्देश्य क्या है? त्रुटियों का पता लगाना, कि हिसाब किताब लिखते समय जो भी गलतियां रह गई हैं उसको ढूंढना। और दूसरा है कि हिसाब किताब में जो धोखाधड़ी छल कपट बेईमानी किया गया है उसको भी ढूंढना। और तीसरा इसका उद्देश्य होता है कि जो भी त्रुटियां या छल कपट हैं, मतलब ये दोनों, इसको रोका जाए। ऐसा नहीं कि केवल बता के छोड़ दिया जाए, इसको रोकने पर उस पर नियंत्रण लगाया जाए, लगाम लगाया जाए, कि ताकि दोबारा ऐसी गलती ना हो। ठीक है। प्रश्न अभी एक चीज और भी उठता है कि ये हमारे जो अंकेक्षक हैं, ऑडिटर हैं, ये होते कितने टाइप के? अभी प्रकार तो बाद में, तो सबसे पहले अंकेक्षक के बारे में थोड़ा बता देना। ऑडिटर जो हमारे ये ऑडिटर्स हैं, इस ऑडिटर्स को दो भागों में बांटा गया। ऑडिटर को दो भागों में बांटा गया। पहला क्या है? एक होता है सरकारी अंकेक्षक, सरकारी अंकेक्षक, और दूसरा होता है पेशेवर अंकेक्षक, मतलब गवर्नमेंट ऑडिटर एंड प्रोफेशनल ऑडिटर्स। गवर्नमेंट ऑडिटर क्या होता है? एक ऐसा अंकेक्षक, एक ऐसा ऑडिटर जो सरकारी संस्थान के विभिन्न विभागों के, ऐसा ऑडिटर जो सरकारी संस्थान के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों या उनके विभागों या उप विभागों के हिसाब किताब की जांच करता है, उसकी लेखा पुस्तकों की जांच करता है, तो उसे सरकारी अंकेक्षक कहा जाता है। ऐसे अंकेक्षक की नियुक्ति सरकार के द्वारा ही की जाती है। और दूसरा होता है एक पेशेवर अंकेक्षक, ऐसा अंकेक्षक जो विशेष ज्ञान योग्यता के द्वारा बना और किसी बड़े पेशेवर संस्था या कंपनी, फर्म या संस्था की हिसाब किताब की जांच के लिए उसे एक निश्चित नियमों और प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है, या कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है, तो उसे पेशेवर अंकेक्षक कहा जाता है। इस प्रकार के अंकेक्षक अधिकांशतः कंपनियों या फर्मों में नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। तो ये तो था अंकेक्षक के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य तो आप तो जान ही गए। अब हम चलते हैं इस अंकेक्षण के फायदे, क्या लाभ। थोड़ा इंक डाल दिया जाए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अंकेक्षण के लाभ। तो आपसे बता दें कि अंकेक्षण कराने से, ऑडिट कराने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अभी आप पढ़ेंगे। यह बहुत सारे बेनिफिट्स आपको केवल संस्था को नहीं मिलते हैं, केवल संस्था के साथ साथ संस्था के स्वामी को भी प्राप्त होते हैं, उनके ऋणदाताओं को भी प्राप्त होते हैं, कर्मचारी को भी मिलते हैं। ठीक ना। और गवर्नमेंट को भी इससे, ऑडिटिंग से फायदा होता है, ऐसा नहीं कि केवल कंपनी को ही फायदा होता है। इंक पड़ गया। आइए स्टार्ट करते हैं अंकेक्षण के लाभ। अगला जो हमारा टॉपिक है ये है अंकेक्षण के लाभ, माने बेनिफिट क्या। ऑडिटिंग कराने से हमको क्या बेनिफिट है? ठीक। अंकेक्षण के लाभ को हमने कई पार्टों में बांटा। सबसे पहले चलते हैं ए पार्ट में, संस्था को लाभ।
मतलब अंकेक्षण कराने से संस्था को क्या बेनिफिट होता है, माने जिस कंपनी जिस फर्म का ऑडिट किया जा रहा है तो हमें ये ऑडिट कराने से उस संस्था को क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहला बेनिफिट मिलता है लेखांकन कार्य पर समय पर होना, माने अकाउंटिंग जो वर्क है वो टाइम टू टाइम होना। पहला क्या बेनिफिट है, लेखांकन कार्य समय पर होना, समय पर होना। इस क्यों, क्योंकि यदि ऑडिटिंग नहीं होता तो जानते हैं हिसाब किताब में बड़ा ढिलाई होती है, उस तरह मालूम रहता है कि ऑडिटर आएगा मार्च में आएगा, पक्का है अप्रैल में आएगा, इस समय आने वाला है, तो उससे पहले हिसाब किताब ए टू जेड मेंटेन कर दिया जाता है कि आएगा तो किसी भी प्रकार की गलती नहीं करे, नहीं तो रिपोर्ट में दे देगा, तो हिसाब किताब टाइमली होता। दूसरा क्या, दूसरा है कि अशुद्धियां और छल कपट में कमी होगी, अशुद्धियां व छल कपट में कमी। ऑडिटिंग होने से कि जो हमारी अशुद्धियां रह जाती हैं, गलतियां रहती हैं हिसाब किताब में, या उसमें कुछ धोखाधड़ी रहती है तो डर रहता है कि भाई कुछ भी गड़बड़ी करेंगे या गलती से भी लिख दिए तो ऑडिट होगा तो उसमें पकड़े जाएंगे, तो ये चीजें कम हो जाती है। अर्थात अब अशुद्धियां, ऑडिटिंग होने से अशुद्धियां और छल कपट में काफी मात्रा में कमी आती है, गलती से हो गया तो हो गया। अगला है व्यवसाय की लाभ हानि की जानकारी, मतलब सही लाभ हानि की जानकारी, मतलब ऑडिटिंग होने से हमको पता चल जाता है कि एग्जैक्ट हमारे बिजनेस के कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा। वैसे तो बैलेंस शीट से भी हमको पता चल जाता है, पीएल से भी पता चल जाता है, लेकिन ऑडिटिंग इसलिए कराया जाता है कि क्या जो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस में शो किया गया वो वास्तव में वो सही है या गलत है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ मिस्टेक की वजह से उस प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ जाता है, तो वही काम जब ऑडिटिंग में होता है पकड़ा जाता है तो वहां पे एग्जैक्ट हमारा सही लाभांश की जानकारी होती है। अगला व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी, स्थिति की जानकारी। ऑडिटिंग होने से व्यवसाय की सही स्थिति जब पता चलता है कि हमारा व्यवसाय इस स्टेटस है, ये सिचुएशन पर से गुजर रहा है, और क्या होता है कार्य कुशलता में वृद्धि, कार्य कुशलता में वृद्धि। कार्य कुशलता में वृद्धि का मतलब है कि ऑडिटिंग होने का कर्मचारियों में भी भय रहता है कि ऑडिट होगा समय से काम नहीं होगा, तो वह डर से चाहे दबाव में चाहे जैसे भी हो वो काम को ठीक करना चाहते हैं, तेजी से करना चाहते हैं, नहीं तो वहां पे हमको सुनना पड़ेगा, हमारा रिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो संस्था की कार्यकुशलता भी में भी तेजी से वृद्धि होती है। अगला है वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति, वैधानिक औपचारिकताओं की, वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति। ऑडिटिंग इसलिए भी कराया जाता है क्योंकि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज भी होती हैं, एकदम किसी संस्था के लिए कंपनी के लिए कुछ कंडीशन में अनिवार्य भी होता है, तो उस अनिवार्य होने के वजह से भी ऑडिट कराया जाता है, जिससे जो भी वैधानिक औपचारिकता होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। अगला है वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना आसान, वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के लिए, बस इतने ही। वित्तीय संस्थाओं से ऋण देखे होंगे कि किसी भी संस्था को ऋण या लोन लेना होता है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी बैंकिंग संस्था से, तो वहां पे बैंक वाले उसके बिजनेस का पिछले लास्ट 3 ईयर का बैलेंस शीट मांगते हैं। वो इसलिए मांगते हैं कि ताकि पता ये चल जाए कि इसके बिजनेस का पिछले 3 सालों में क्या ग्रोथ है, क्या स्टेटस है, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा,
और वो बैलेंस शीट किसी सीए के द्वारा प्रमाणित हो, मतलब ऑडिटिंग किया गया। तो यह जो ऑडिटिंग है यह ऋण लेने में भी सहायक होता है। अगला है कर के निर्धारण में सहायक। कर के निर्धारण में सहायक ऑडिटिंग हमारा है जो गवर्नमेंट को टैक्स देने में भी काफी मदद करता है, क्योंकि टैक्स हम कितना देंगे कितना नहीं देंगे ये ऑडिट का करने के बाद से जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस उसमें दर्शाया गया रहता है उसके आधार पर दिया जाता है। अगला है ख्याति में वृद्धि। ख्याति में वृद्धि ऑडिटिंग से व्यवसाय की ख्याति भी थोड़ी डेवलप होती है कि भाई इस संस्था का तो ऑडिट कराया जा रहा है, इसमें तो बड़ी संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था, सारे चीज रूल रेगुलेशन से चलते हैं, सिस्टम से एक चलता है, तो भाई उसका इंप्रेशन एक मार्केट में अलग बनेगा, तो ख्याति में भी वृद्धि होती है। अगला है विवादों को निपटाने में सहायक। विवादों को निपटाने में सहायक। निपटाने में सहायक किसी भी प्रकार का यदि विवाद होता है उस विवादों को निपटाने में ये हमारी ऑडिटिंग जो होती है, अंकेक्षण जो होता है, सहायक होता है, क्योंकि मुंह से कोई कुछ और बोले लेकिन हिसाब किताब में जो लिखा गया है सबूत या प्रूफ के तौर पर वही मान्य होता है और उस पर भी सीए का मोहर लगा है। अगला है अंकेक्षक से सुझाव प्राप्त करने में सहायक। अंकेक्षक से सुझाव प्राप्त करने में सहायक। करने में सहायक देखे होंगे संस्थाएं कभी कभी ऑडिटर से सुझाव भी मांगती है, तो उस कार्य में वो अंकेक्षण रिपोर्ट के माध्यम से ही वो सुझाव देता है, अपने मन से थोड़ी देगा। अब आगे बढ़ते हैं संस्था के स्वामियों को लाभ, मतलब ये संस्था को लाभ। बी जो हमारा है स्वामियों को लाभ। स्वामियों को लाभ। अब सोच रहे होंगे ये स्वामी कौन है। शेयर होल्डर्स जो अंशधारी होते हैं वही कंपनी के स्वामी होते हैं। इनको क्या फायदा है? तो जब भी कोई भी पर्सन चाहे एकाकी व्यवसाय हो, साझेदारी हो या कंपनी, सब में मालिक को फायदा है ऑडिटिंग से। मालिक को तो बस ये चाहिए कि हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, हमारे पैसे का जो इन्वेस्टमेंट है वो सही जगह है या नहीं है, और उससे हमको यह जानकारी होती रहे कि कितना प्रॉफिट या लॉस या किस दौर से वो गुजर रहा है, इस चीज़ की जानकारी। और ये कैसे होगा? मुंह से कहने से नहीं होगा, जब उसकी ऑडिट होगी, ऑडिटर अपना रिपोर्ट देगा तो उसे सही जानकारी होगी। इसलिए जब शेयर होल्डर कोई भी किसी भी कंपनी का शेयर खरीदता है अर्थात अपना पैसा किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर ही वो अपना पैसा दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो स्वामियों को भी लाभ प्राप्त होगा। सी इसमें है, इसमें कोई महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, कर्मचारियों को लाभ। कर्मचारियों को लाभ। अब सोच रहे होंगे कर्मचारी को ऑडिटिंग से क्या फायदा है? तो कर्मचारी को भी ऑडिटिंग से फायदा है। क्या फायदा है? कि जब भी किसी संस्था का ऑडिट होता है तो संस्था की वास्तविक स्थिति प्रकट होती है कि रियल में इस फाइनेंशियल ईयर में ये चीजें हैं, उससे संस्था की ख्याति में भी वृद्धि होती है, कर्मचारियों के प्रोग्रेस के भी बारे में उसमें डिटेल आता है। इसके मतलब सब कुछ शुद्ध और सही पाया जाता है, तो इसके मतलब है कि इम्प्लॉयज ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, एकदम ईमानदारी पूर्वक इसमें हिसाब किताब मेंटेन किया गया। इससे कर्मचारियों को काफी अपने वर्क के ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है और उससे संस्था के द्वारा उसके वेतन में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है, उसको कुछ एक्स्ट्रा बोनस कमीशन या अदर जो भी बेनिफिट्स वगैरह हैं ये सुविधाएं प्रदान की जाती है। अगला है लेनदारों को लाभ। लेनदारों को लाभ। लेनदारों को लाभ से क्या है? लेनदार कौन होते हैं? ऋणदाता। लेनदार एक ऐसे पर्सन होते हैं जो किसी कंपनी को
चलाने के लिए कर्ज देते हैं, ऋण देते हैं और उसके बदले में ब्याज वसूल करते हैं। तो कोई भी ऋणदाता कंपनी केवल देखकर इन्वेस्ट नहीं करता, कर्ज नहीं देता। कंपनी का स्टेटस, कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर ही वो किसी को कर्ज देता है। जो देने लायक होगा उसी को देगा, जो देने लायक नहीं होगा उसको क्यों पैसा अपना फंसाएगा। तो वही ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर ही वो किसी कंपनी को ऋण देते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इस उद्देश्य से कि कंपनी सही चल रही है, टाइम से हमको इंटरेस्ट देता रहेगा और जब जरूरत होगा तो मैं अपना मूलधन ले लूंगा। अगला ई फायदा क्या है इसका? सरकार को लाभ, सरकार को लाभ। ऑडिटिंग होने से सरकार को भी बेनिफिट है। सरकार को इससे क्या बेनिफिट है? सरकार को यह बेनिफिट है कि सबसे पहले कि यदि ऑडिटिंग हो जा रहा है तो संस्था का हिसाब किताब एग्जैक्ट पता चल जाएगा, उसके प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएंगे। प्रॉफिट सरकार के द्वारा निर्धारित सीमा से यदि अधिक है तो उस पर गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेगी, उसकी टैक्स की चोरी रुक जाएगी। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की टोटल इनकम पता चल जाएगा, उसका नेशनल इनकम पता चल जाएगा, प्रति व्यक्ति आय या देश की इकोनॉमी उसी पर निर्भर करती है। ठीक है, ये सब फायदे होते। अब इसी पे हम एक टॉपिक और बता दे रहे हैं कि अंकेक्षक अंकेक्षण के जहां हमारे कुछ लाभ भी दिए तो यहीं कुछ इसकी हानियां भी दी गई। ध्यान दीजिएगा, कुछ लाभ दिया गया है तो कुछ हानियां भी दी गई। अब हानियां क्या होती है यह मैं बता रहा हूं। अंकेक्षण से, क्योंकि जानते ही हैं कि किसी चीज के कुछ बेनिफिट्स होते हैं तो उसके कुछ डिमेरिट भी होती है। मतलब कुछ मेरिट है तो कुछ डिमेरिट जरूर है। मतलब ऑडिटिंग से यदि फायदा है तो कुछ नुकसान भी। अब वो नुकसान क्या है, क्या इसकी हानियां है? सबसे पहला होता है कि जो ऑडिटिंग होता है वो किसी भी संस्था के खातों की शत प्रतिशत शुद्धता की गारंटी नहीं देता है। मतलब कि ऑडिटिंग का मतलब ये नहीं कि वो किसी संस्था के 100% गारंटी दे दे कि इसका एकदम हिसाब किताब सही है। ठीक है, तो शत प्रतिशत शुद्धता की गारंटी नहीं देता। पहला है कि ऑडिटिंग किसी भी संस्था की शुद्धता की शत प्रतिशत गारंटी नहीं देता। अब क्यों नहीं गारंटी देता? वो इसलिए गारंटी नहीं देता है कि भाई जिस तरह एक हिसाब किताब हमारा है, ठीक ना, यदि एक हिसाब किताब हमारा है तो हमारे के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा ही तैयार किया गया है और उसमें जब कुछ गलती निकलती है तो उसकी जांच जब की जाती है तो उसके द्वारा भी तो छूट सकती है। तो ये सब प्रोसेस शुद्धता की गारंटी, जबकि उसके पूर्ण जानकारी में वह सही किया गया रहता है, लेकिन फिर भी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है तो शुद्ध शत प्रतिशत शुद्धता की गारंटी नहीं देता। दूसरा है कि अंकेक्षण तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देता। जैसे ऑडिटिंग के दौरान कुछ तुच्छ बातें होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं, छोटी मोटी बातें होती हैं तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? क्योंकि उसका तो काम केवल हिसाब किताब की जांच करना। अब क्या बात हो रहा है, अच्छा है बुरा है, उस बातों पर क्या लेना देना। अगली कमी है कि अंकेक्षण कर्मचारियों की ईमानदारी को प्रमाणित नहीं करता। अंकेक्षण कर्मचारियों के ईमानदारी को प्रमाणित नहीं करता है। जो ऑडिटर होता है वो कर्मचारियों के ईमानदारी को प्रमाणित नहीं करता, वो हिसाब किताब को प्रमाणित करता है। अब कर्मचारी ईमानदार है कि नहीं है,
हिसाब किताब उसका ईमानदार है तो बस सही है, वो इस बात पर ध्यान नहीं रखता। दूसरा है कि सभी प्रकार के छल कपट या त्रुटियों का पता लगाना संभव नहीं। जो ऑडिटिंग में जो छल कपट और त्रुटियों का पता लगाया जाता है पूरा तो प्रयास रहता है, लेकिन चोरों के पास बहुत दिमाग होता है, कुछ ऐसी भी गलतियां होती हैं जो ऑडिटर नहीं पकड़ पाता चाहे जैसे भी, तो यह 100% इसको नहीं कहा जा सकता, कभी कभी मिस्टेक हो ही जाता। अगला है कि जो ऑडिटिंग में जो अंकेक्षक होता है और अपनी रिपोर्ट देता है तो उस रिपोर्ट में केवल अपनी राय प्रकट करता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है, ये नहीं कहता है कि ऐसे ही कर लो। तो क्या कहा, अंकेक्षक रिपोर्ट में केवल अपनी राय प्रकट करता, ये इसकी डिमेरिट। और एक और डिमेरिट मैं बता रहा हूं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, कि जो ऑडिटिंग हमारा है ये छोटी संस्थाओं के लिए ठीक नहीं, बड़ी संस्थाओं के लिए उपयुक्त है। अंकेक्षण जो हमारा है बड़ी संस्था के लिए उपयुक्त है, छोटी संस्था के लिए नहीं। छोटी संस्था सोच रहे होंगे वो पान का दुकान है, एक छोटा सा किराना गुमती है, अब वो ऑडिटिंग कराया जाएगा, वो अपना हिसाब किताब रखेगा, अपना ही समझेगा। लेकिन यदि बड़ी कंपनी है तो उसके लिए तो कंपलसरी है, लेकिन छोटी संस्था के लिए नहीं। तो यह तो था अंकेक्षण की आपकी सीमाएं, या इसी को हानियां भी कहा जाता। इस संदर्भ में एक बहुत बड़ा एक केस है और काफी फेमस केस है, उसको मैं मिटा रहा हूं और बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सीमा नहीं मिटाए, हानियां नहीं मिटाएंगे। एक केस है, नाम है उसका किंगस्टन काटन मिल्स, नाम सुने ही होंगे। एक केस है जिसका नाम है किंगस्टन काटन मिल्स। किंगस्टन काटन मिल्स, यह किंगस्टन काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड 1896 में, यह एक कंपनी है 1896 का केस। इस केस में यह कहा गया है कि जो अंकेक्षक होता है, जो ऑडिटर होता है, एक रखवाली करने वाला कुत्ता होता है। कहा गया है कि अंकेक्षक एक रखवाली करने वाला कुत्ता, न कि शिकारी कुत्ता। यह एक स्टेटमेंट दिया गया और काफी पॉपुलर स्टेटमेंट है ये किंगस्टन काटन मिल्स का। इसका कहने का मतलब है कि अंकेक्षक एक रखवाली करने वाला कुत्ता है, न कि शिकारी कुत्ता। मतलब यह है, इसका अर्थ यह है कि इसकी भले तुलना कुत्ते से की गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह एक शिकारी जो कुत्ता होता है मालिक के प्रति वफादार रहता है, रखवाली करने वाला कुत्ता होता है मालिक के प्रति वफादार रहता है, शिकारी कुत्ता होता है जो अटैक कर देता है, ठीक उसी प्रकार यह कहा गया है कि जो ऑडिटर होता है
उसे सही अपना हिसाब किताब की जांच करना चाहिए। मतलब जिस तरह कुत्ता एक सही आदमी की जांच करके छोड़ देता है, उसी तरह एक ऑडिटर जो है उसका यह है कि ईमानदारी पूर्वक, माने ऑडिटर को एक चरित्रवान, धैर्यवान, विद्वान होना चाहिए। उसे जो भी हिसाब किताब उस संस्था के द्वारा मिला है उसे ठीक ढंग से ईमानदारी से जांच करनी चाहिए और उस पर सही अपना रिपोर्ट देना चाहिए। न कि ऐसा नहीं कि उसको पावर मिला है उसे जांच करने का तो एकदम कूद के पड़ चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब उसकी भावना सहानुभूत पूर्वक होनी चाहिए। इसके संबंध में इस मुकदमे का जो विवेचना किया गया है इसके पक्ष और विपक्ष में कुछ तर्क दिए गए। मुकदमे में यह कहा गया है कि इसका मेन अर्थ है कि जो अंकेक्षक के हमारे कर्तव्य है, कर्तव्यों के बारे में इसमें उल्लेख किया गया कि जो अंकेक्षक को रखवाली रखने वाला कुत्ता कहा गया है आखिर किस बेस पर कहा गया, क्योंकि जब अंकेक्षक अपने इन कर्तव्यों का पालन करता है, किन कर्तव्यों को अभी बताएंगे, तो अंकेक्षक एक रखवाली करने वाला कुत्ता, यदि इन कर्तव्यों का वो ठीक ढंग से पालन नहीं करता तो उसे शिकारी कुत्ता माना जाएगा, ठीक ना। अर्थात इसकी तुलना शिकारी कुत्ते से न करके एक रखवाली करने वाले कुत्ते से की गई। सबसे पहला ईमानदार, क्या ईमानदार, कि जो हमारा अंकेक्षक होता है, ऑडिटर होता है, वो पूर्ण रूप से ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार है तभी अपने कार्यों को ठीक ढंग से वो अंजाम देगा। दूसरा इसका कर्तव्य है शंका युक्त न होना, शंका युक्त न होना। शंका युक्त न होने का मतलब है कि कभी भी ऑडिटर को शक कर हिसाब की जांच नहीं करनी चाहिए, एकदम निर्भीक फ्री ऑफ माइंड से उसकी जांच करनी चाहिए। किसी भी संस्था, छोटी बड़ी कोई भी, परिचित अपरिचित, किसी भी संस्था में गया ऑडिट करने के लिए, अपने नियम और सिस्टम के अनुसार उसे जो भी हिसाब किताब की पुस्तकों है एक के बाद एक आराम से रिलैक्स मूड में जांच करना चाहिए। पहले से यह नहीं दिमाग में रखना चाहिए कि न इसी में गलती है, उसे शंका या शक कभी नहीं करना चाहिए, तो शंकायुक्त नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कर्तव्य, इसी वजह से यह ऐसा कहा गया। तीसरा है विश्वास, बिलीफ। विश्वास का मतलब है कि अंकेक्षक को सदैव अपने जो भी संस्था में ऑडिट करने गया है कर्मचारियों पर विश्वास करना चाहिए। कहा गया कि कैश बुक दीजिए, उसने कैश बुक दिया। यदि ऐसा भी हो सिचुएशन हो सकता है कि उसको वहां तक पहुंचने में, उसके मांगे जाने में थोड़ा सा समय में विलंब हो सकता है, लेकिन उसको भरोसा रखना चाहिए कि हम आए हैं जांच करने के लिए तो हमारा ये लोग सहयोग करेंगे। अगला है कार्य में सावधानी, कार्य में सावधानी। कार्य में सावधानी का मतलब है कि जो भी अंकेक्षक को कार्य दिया गया है, जिस कार्य के लिए वो गया है, उस कार्य को सावधानी पूर्वक करना चाहिए, न कि लापरवाही पूर्वक। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जाते हैं फटाफट चेक किए, मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, इत्मीनान से रिलैक्स मूड में एकदम सावधानी पूर्वक, भाई वो जांची के लिए नियुक्त किया गया और गलती न मिले तो क्या फायदा, यदि नहीं मिला तो बहुत अच्छा, मिल गया तो उसके प्रकट करना चाहिए ताकि उससे उस संस्था को मतलब अहित न हो, सही जांच करेगा तो हित में रहेगा। अगला है विश्वास करना, विश्वास करना तो हो गया। अगला इसका है शिकारी कुत्ते की प्रवृत्ति का न होना, मतलब दूसरा कर्तव्य है शिकारी कुत्ते के प्रवृत्ति का न होना। प्रवृत्ति का न होना माने अंकेक्षक को कभी भी अपना बिहेव, अपना व्यवहार एक शिकारी कुत्ते की तरह नहीं करना चाहिए, एकदम नॉर्मल, ईमानदार और वफादार व्यक्ति की तरह करना चाहिए। अगला अंकेक्षक जो होता है वो जासूस नहीं है, अंकेक्षक जासूस नहीं है, जासूस नहीं है। मतलब जो ऑडिटर हमारा है उसे जासूसी करने का काम थोड़े सौंपा गया है, उसे तो हिसाब किताब जांच करने का सौंपा गया,
तो वो किसी संस्था में ऑडिट करने जाए तो जासूसी की तरह कार्य ना करे, आराम से बैठे जिन पुस्तकों को मांगना है बोले, ऑर्डर करे, अपने खुद लेके आएंगे लोग और उसकी जांच करें। इन्हीं सब कर्तव्यों को पालन करने के संदर्भ में ही कहा गया है कि अंकेक्षक एक रखवाली करने वाला कुत्ता है, न कि एक शिकारी कुत्ता। ठीक है, तो इस तरह आप लोग का अच्छा खासा चल गया। फिलहाल आज इतने ही पर ब्रेक करते हैं, आगे के लेक्चर में आप क्या पढ़ेंगे तैयार रहिएगा। आप लोग बताते रहे आइए कि क्या पढ़ने वाले हैं। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे अंकेक्षण के प्रकार या वर्गीकरण, इसके सिद्धांत, तकनीकी और कार्यविधि के बारे में। ठीक है, हो भी सकता है उसमें आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक निरीक्षण भी पढ़ें। तो इतना टॉपिक आपको नेक्स्ट लेक्चर में चलेगा। तो इसी तरह आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ई ऑडिटिंग का आपको कंप्लीट कोर्स मैं करा दूंगा, लेकिन आप लोग रिस्पांस देंगे तब। मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक देखें आप लोग वीडियो हमारा लेक्चर, अपने फ्रेंडों में भी थोड़ा सा शेयर कर दें ताकि वो भी पढ़ लें, क्योंकि अब तो परीक्षा नजदीक है तो अभी से लग जाइए, अब टाइम बहुत कम है। और ऑडिटिंग आपका समझिए कि कॉमर्स का एक बहुत अच्छा पार्ट है और जानना भी चाहिए कि ऑडिटिंग होता क्या है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।